डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल कमेटी, मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 284 करोड़ की सौगात देंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कल दिवाली के मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में टकराव बरकरार, 6 सीट पर एमडीए उम्मीदवारों के बीच मुकाबला। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी बीजेपी, आशीष शेलार ने कहा दाऊद से जुड़े शख्स को बढ़ावा नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संसदीय कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी, लोगों की राय जानने 9 नवंबर को गुवाहाटी जाएगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर नया पोस्टर लगा, न बटेंगे न कटेंगे का लिखा गया है नारा, सीएम योगी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। सलमान खान को फिर जान से मारने की धमकी, मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को अज्ञात शख्स ने मैसेज भेजा, 2 करोड़ की फिरौती भी मांगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला नाकाम हुआ, 10 ग्रेनेड के साथ एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन दरगाह पर आरएसएस नेताओं ने चादर चढ़ाई, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। तवांग में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ अरुणाचल प्रदेश रवाना। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की पहली दिवाली, सरयू तट पर जलाए जाएंगे 28 लाख दिए, बनेंगे नए रिकॉर्ड। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के लिए भव्य तैयारी, शहर को फूलों से सजाया गया है, कई जगहों पर भगवान राम सीता और हनुमान की तस्वीरें भी लगाई गई हैं। अयोध्या में सुबह से झांकियां निकल रही हैं, लोक कलाकार पारंपरिक नृत्य पेश कर रहे हैं। पटाखा बैन पर बोले बाबा बागेश्वर, हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ हो रही है साजिश, होली दिवाली पर ज्ञान देने वाले बकरीद पर सवाल क्यों नहीं उठाते। मुंबई में हिजाब पहनी महिला का आरोप, खाना बांटने वाले बुजुर्ग शख्स ने खाना लेने से पहले जय श्री राम बोलने को कहा, टाटा हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो वायरल हुआ। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बहुत खराब, कई इलाकों में AQI 300 के पार। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गंदगी देखकर भड़क गई, मेयर शैली ओब्रॉय को चेतावनी दी, कूड़ा हटाओ वरना आपके घर के बाहर फेंकने आऊंगी, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में दिवाली से पहले 19,000 किलोग्राम अवैध पटाखे जब्त किए गए हैं, मंत्री गोपाल राय बोले 79 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश, देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर मिला, हिरासत में एक संदिग्ध। नोएडा के सेक्टर 74 में बैंकेट हॉल में भीषण आग लगी है, हादसे में इलेक्ट्रीशियन की मौत हुई। मध्य प्रदेश के उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अब तक 6 हाथियों की मौत की खबर, 4 का इलाज जारी, जांच के लिए वन मंत्री ने SIT गठित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में पुलिस जवानों से भरी बस पलट गई, बिहार स्पेशल आर्म्स के 29 जवान घायल हुए हैं। और आगरा के एक हॉस्पिटल में मारपीट, तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच झगड़ा हुआ, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।